नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। अभी हम आए हैं नागपुर के सीताबर्डी इलाके में, जहां पे कोरोना का बढ़ता प्रभाव देख के आज का दूसरा दिन है लॉकडाउन का। पालक मंत्री नितिन राउत ने कहा था कि एक हफ्ते का जो लॉकडाउन है कोरोना को देखते हुए, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए, सेकेंड डे आज चल रहा है। जैसे कि हमारे पहले वीडियो में हमने दिखाया आपको कि लोग थोड़े से बाहर निकले थे, लेकिन आज तो ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोरोना का मतलब पूरी तरीके से डर उनके दिलो दिमाग से पूरा ख़त्म ही हो चुका है। और ऐसी भीड़ दिख रही है कि ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है। आज का दूसरा दिन है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन की कड़क तैनाती भी हमको दिखाई दे रही है। लोग अपने मास्क हेलमेट लगा के निकल ही रहे हैं। चलिए आइए हम पूछते हैं इनसे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा बर्डी का मार्केट है, इसलिए मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में हूँ। अच्छा, तो शॉप में जा रहा हूँ ऑर्डर लिए। अच्छा, लॉकडाउन का मतलब कुछ प्रभाव दिख रहा है आम जनता पे? हाँ, दिख तो रहा है। वैसे काफ़ी सुनसान हो गया है मार्केट। सुनसान मार्केट हुआ है, लेकिन पब्लिक तो उतनी ही दिख रही है। नहीं नहीं, मतलब लेकिन पहले से बहुत कम है। बाहर जो पब्लिक पहले निकलती थी उतनी नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? रूम में जा रहा हूँ मैडम। किधर अभी कहाँ पे गए थे? हम होटल में रहते हैं, जॉब करते हैं। मतलब कौन सा जॉब कर रहे हैं अभी आप? होटल में, किचन में। अभी तो पूरा मतलब होटल वगैरह सब बंद है। सब बंद। तो अभी आप फिर रोजगार कैसे करेंगे? होटल में आते हैं खाना पीना खाने के लिए। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? बंगाल से, कलकत्ता। कोरोना अभी बढ़ता नजर आ रहा है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन की कड़क तैनाती, उसके ऊपर क्या कहना है आपका? क्या कहें मैडम, हम लोग तो दूर से, अभी इतना जल्दी तो हम घर भी नहीं जा सकते मैडम, दूर से तो हम लोग इसे बंद है, रूम में रहते हैं, खाना पीना खा के चले जाते हैं। चंदा चौहान जी, कोरोना का वगैरह डर नहीं है क्या आपको? अपना डर तो है ना मैम, हमको कोरोना का भी डर है और सब डर है, लेकिन घर में कोई नहीं है और आरटीओ का काम है, गाड़ी चलाते एक नहीं आती है और बच्चा छोटा है, घर में हस्बैंड है नहीं। अभी हम ऑटो से जाएंगे हम अभी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम किशोर सिंह दशरथ सिंह चौहान। आप कहाँ पे जा रहे हैं? मैं तहसील ऑफिस कोर्ट। अच्छा, क्या काम करते सर आप? हम बिजनेस करते। बिजनेस किस चीज़ का बिजनेस करते? सब्जी भाजी का तो अभी चालू ही है आपका बिजनेस मतलब? हाँ, मगर काम है तो जाना ही पड़ेगा ना। तो ये जो पुलिस वगैरह का बंदोबस्त लगा हुआ है हर जगह हर चौक पे, तो उसके बारे में क्या कहना है? और लोग तो आज का सेकंड है, उसके ऊपर क्या? मेरा तो ऐसा मानना है कि आजकल कानून कायदे को कोई मानता नहीं, डरता नहीं। दूसरी बात, नियम का पालन करना चाहिए। हाँ, अभी ये कोरोना कितना सच्चाई है कितना झूठ है क्या, इसके बारे में जरा शंका है। चंदू यादव। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? ये रेस्टोरेंट पे जा रहे थे पेमेंट लेने के लिए। पेमेंट लेने के लिए? किस चीज़ की? काम किए हुए तो उसके पैसे नहीं मिला है। तो पूरे रेस्टोरेंट वगैरह तो बंद ही है अभी? बंद है, पर जो पैसे रुका हुआ है उसके लिए जा रहे थे। ऑनलाइन चालू है तो वहाँ पे कोई बैठा होगा अभी? नहीं, उनने बोले कि यहाँ पे मिलो पुलिया के पास, तो वो जा रहे लेने के लिए, अगर आया तो ठीक है, नहीं भी आया तो। अच्छा, क्या काम करते हैं? कुक का काम करते हैं रेस्टोरेंट। लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? नहीं, परेशानी है ना हमको, गवर्नमेंट कुछ सुविधा दे ही नहीं रहे। क्या परेशानी हो रही है आपको अभी? हर चीज़ में परेशानी है, जॉब ही अगर बंद है तो फिर घर कैसे चलाएंगे। अच्छा, कितने लोग हैं आपके घर में? मैं और मेरी मिसेस और बच्चा, तीन ही लोग हैं। बस ये बंद है, उस दौरान हमको खाने पीने की साधन और कुछ वक्त चाहिए किराएदार के लिए। कोरोना बढ़ रहा है, हित के लिए लगाया है ठीक है, लेकिन कैसा सुविधा भी तो मिलना चाहिए ना, उसका क्या करेंगे? या फिर कोरोना के साथ जिंदगी जीना है क्या, ये छोड़ देना चाहिए हमको। वैसे ऐसे भी मरी रहे, वैसे भी मैं खैर हो गया हूँ पूरा। जहाँ पहले, इससे पहले जहाँ रहता था वहाँ से घर मालिक ने पूरा जमा कर लिया सामान, अभी दूसरे जगह आया रहने के लिए। गाड़ी भी लॉकडाउन में बेचा मैंने। अच्छा, बेच दिए। तो आप अभी देख सकते हैं कि लोगों को अपनी गाड़ियाँ वगैरह भी जो रेंट से रह रहे हैं उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। राहुल, तो आप जोमेटो में काम करते हैं? हाँ मैडम। कैसा चल रहा है आपका काम? चल रहा है मैम, धीरे धीरे चल रहा है मैडम, लेकिन लॉकडाउन के हिसाब से लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? अब मैडम, सही भी है और गलत भी है, क्योंकि हमारे जैसे लोगों को काम नहीं मिल रहा है अभी, क्या करें। कोरोना का डर नहीं है आपको? कोरोना का डर तो है मैडम, लेकिन घर के लिए तो काम करना पड़ेगा ना मैडम।
क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं आप? मेरा मेरे पास सैनिटाइजर है, मास्क है और बहुत कुछ है। कहाँ कहाँ घूमना पड़ता है ये जोमेटो? मेरा धर्म पे लोकेलिटी है और मुझे पूरे धर्म पे लक्ष्मी नगर, बर्डी, सीतापुरटी, बजाज नगर, ये सब मेरा एरिया है, मुझे वार्ड में तो घूमना पड़ता है मुझे। अच्छा, तो ये आप साइकिल से ही जाते हैं? हाँ, मेरी साइकिल आईडी है साइकिल जोमेटो। अच्छा, तो मतलब आपको जोमेटो की तरफ से कुछ गाड़ी वाड़ी वगैरह नहीं, नहीं, कुछ मिला? कुछ नहीं, अच्छा। ये सब जोमेटो का आईडी है मैडम, साइकिल वाली, इसमें दो आईडी, एक साइकिल वाली एक बाइक वाली, मेरी साइकिल वाली आईडी है। अच्छा, तो साइकिल वालों के हिसाब से अलग टाइम? हाँ, अलग टाइम है उनका। ये साइकिल वाले थोड़ा सा देर होती है, जैसे कुछ चिल्लाते उल्लाते नहीं मैडम, सभी कस्टमर अच्छे हैं हमारे हमारे वाले। काय नाव तुमचं? राजू। कुठे चालले तुम्ही? मी आता सदरला चालू। कशासाठी? कामाकरिता। कोणत्या कामाकरिता? पेंटिंग। पाय पेंटिंगचे जे काम आता आहे, आमचे काम चालू आहे इथं बाजूला। कुठे काम करत होते आता तुम्ही? कुठे? मोदी नंबर 3 ला। घरी कोण कोण आहे तुमच्या? माझी मिसेस आहे, 2 मुलं आहेत। काय तुम्हीच काम करता का घरी? रोजगार कुठून येतो? नाही, माझी पत्नी सुद्धा प्रायव्हेट हॉस्पिटलला आहे। अच्छा, ती प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये काम करते आणि मी पेंटिंग काम करतो। हे सायकलनी तुम्ही एवढ्या दूर वगैरे जाऊ शकता का? वाळीला सुद्धा जाऊ शकतो। बापरे, गाडी वगैरे काऊन नाही घेतली तुम्ही आता? नाही, जरुरी नाही, आता पोराबाराचे शिक्षण असते ना, शिक्षणासाठीच लावून राहिले का पोराबाराचे? अच्छा, मुलगी इंजिनिअरिंग करत आहे पॉलिटेक्निक। अच्छा, सदरच्या। मुलगा आता 10व्या वर्गात आहे। 10व्या वर्गात आहे। तर तुम्ही म्हणजे हे लॉकडाऊन लागलं पाहिजे नाही लागलं पाहिजे सहमत आहेत का तुम्ही? नाही, लागलं तर पाहिजेच, लागलं पाहिजे। मग तुम्ही रोजगार वगैरे कुठून घ्या? म्हणजे लोकांना किती प्रॉब्लम्स होऊन राहिली आहे त्यामुळे, हे मार्केट वगैरे बंद आहे तुम्ही बघू शकता। हो, ते त्याच्यामुळे लोकांचे कितीतरी रोजगार चालले गेले आहेत। काही लोकांना कामं मिळतात ना, हे दुकानदारी म्हणजे बंद आहे, बाहेरचे जे कामं आहेत ते आताही चालू आहेत, दिसून नाही शकत तुम्हाला। लोकांच्या घरी जातो आम्ही, पेंटिंगचे कामं करतो, फर्निचर पॉलिशचे कामं करतो। अच्छा, आताही चालू आहे, इथंच चालू आहे मोदी नंबर 3 ला। मग कोरोनाची भीती नाही आहे का तुम्हाला? आधी भीती वाटत होती, आता नाही वाटत। आता का बरं नाही वाटत? आता का, आता ते ऐकू थकून गेला मला, म्हणजे ना इकडं तिकडं कोरोना हे का आता पेशंट्स निघून राहिले म्हणूनच तर प्रशासनने लॉकडाऊन लावला आहे। हा, हे बरोबर आहे, त्यांनी काही सोच समजूनच लावलं ना। दोन्हीकडून म्हणत आहे तुम्ही तर, लागलाही पाहिजे नाही पण लागला पाहिजे, कोराची भीती पण आहे पण नाही पण आहे। मी असं म्हटलं नाही की नाही लागलं पाहिजे, असं म्हटलंच नाही, लागलं पाहिजे असं म्हटलं मी। अच्छा, लागलं पाहिजे। आणि मग लोकांना रोजगार कुठून मिळेल लागलं तर? आता ते नितीन राऊत सांगितलं ना परवाच्या दिवशी। काय सांगितलं? करोनाच्या बद्दल, मास मस्जिद सब चालू राहील, काम धंदे वगैरे थोडे बहुत चालू राहतील असं सांगितलं ना त्या दिवशी। थोडे बहुत चालू राहतील ना, ज्यांचे जे काम आहे ते तर पूर्ण बंदच आहे, बघू शकता तुम्ही, हे पूर्ण लॉक लागून आहे, हे सर्व बघा, बघितलं ना। आपे क्या काम करते आप? मैं हेडफोन बेचता हूँ घूम फिर के। तो मैं प्रशासन से ये बोलना चाहता हूँ, आपने लॉकडाउन लगाए ठीक है, लेकिन जो गरीब लोग हैं आपने उनके बारे में नहीं सोचा ना। आज जो गरीब लोग हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, सरकार का प्रशासन का ये काम था कि जो भी जो हफ्ते भर का है या महीने भर का है उनका काम था कि गरीबों के खाते में 2 या 5 हज़ार रुपये डालने का काम था कि हम आराम से बैठ के खाए और घर से ना निकले। इसमें थोड़ी सी प्रशासन की भी गलती है कि वो लोगों को बोलते रहे लॉकडाउन लगा दे, लेकिन प्रशासन ये कर रही है कि प्रशासन लोगों के घर में जाके नहीं दिख रही है उनके घर में क्या है और क्या नहीं। और लॉकडाउन लगा रहे, चलो ठीक है लॉकडाउन लगा रहे, और जो ये कोरोना कोई नहीं है ये, और जो इनकी वैक्सीन भी आई है, इनकी वैक्सीन भी डुप्लीकेट है। उसी दिन मैंने न्यूज़ में पढ़ा हूँ कि इनकी वैक्सीन से दो लोग मर गए और ना ही इनकी वैक्सीन में कुछ है ना कोरोना कुछ है। इतने लाखों को लोगों को तो वैक्सीनेशन हुआ है, उनको तो कुछ नहीं हुआ, दो लोगों से? हाँ, तो नहीं, आप सही बोल रहे, इतने लाखों को लगाए हैं, लेकिन जो पहली जो वैक्सीन आई थी वो डुप्लीकेट आई थी, और अभी का तो नहीं मालूम मैडम मेरे। लेकिन मैं प्रशासन से यही बोलना चाहता हूँ कि जो गरीब लोग हैं, प्रशासन अपना उद्धव ठाकरे जी, माननीय उद्धव ठाकरे जी, मैं आपसे
और नागपुर के पालक मंत्री नितिन राउत सर जी से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो गरीब लोग हैं थोड़ा आप उन पर ध्यान दीजिए। आप तो ठीक है, आपकी पगार लगी, आप बैठ के खा रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग वो तो मर रहे हैं ना। अरे भैया वो कोरोना से नहीं, उन लोग भूख से मर रहे, थोड़ा उन पर देखिए। मैं आपसे बस यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी आपने देखा, हमने आम नागरिकों से बात किए, उनके हर तरीके से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। और जैसे कि आपको पता ही है, आज का दूसरा दिन है, नागपुर शहर में जो लॉकडाउन हुआ है उसका आज दूसरा दिन है। तो जो भीड़ दिख रही है वो आम जनता पैदल, टू व्हीलर से या ऑटो से, जो अपने अपने अलग अलग साधनों से है, आना जाना उनका चालू ही है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये इतनी ज़्यादा भीड़ है कि ऐसा लग नहीं रहा है ये लॉकडाउन है करके लोगों का आना जाना चालू है, सब चीज़ें चालू है। और अपने काम पे भी कुछ लोग जाते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है वो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी परेशान है। अभी जो हमने कुछ लोगों से बात की उनसे हमको पता चला। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए तत्काल न्यूज़ लाइव।